जय जिनेंद्र। दोस्तों कैसे हो आप सब, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। स्वागत है फिर से आपका मेरी आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है दिशाजन और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी गेहूं के आटे से खजूर शक्कर पारा बनाने की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। एक बार बनाएंगे तो महीनों तक खाएंगे। इसको हम 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे एक थाली। थाली में मैंने डाला है 1 कप गेहूँ का आटा। फिर डालेंगे इसमें 1/2 कप सूजी, छान के ले लिया है दोनों चीज़ मैंने। फिर डालेंगे इसमें नारियल का बुरादा। फिर डालेंगे इसमें हम तिली, सफ़ेद तिली, ये 3 चम्मच डाल दिए मैंने। और आप चाहो तो सौंफ भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर 1 टीस्पून। फिर डालेंगे इसमें हम चीनी का पाउडर। ये चीनी मैंने एकदम बारीक पीस लिए। इसको हम आधा आधा करके डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डाल दिया, अब थोड़ा सा हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से एकदम खस्ता, ऐसा स्पेशल मीठा नाश्ता जिसे बनाने के लिए ना लगेगी कोई मेहनत ना ही कोई खर्चा जा रहा होगा। जो शक्कर पाउडर हमने बचाया था उसको भी हम ऐसे पूरा डाल देते हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके डाला है शक्कर पाउडर तो अच्छे से मिक्स हो गया है सब जगह पर। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हम डालेंगे मोइन यानी कि घी। ये मैंने लिया है 1/3 कप, 5 टेबल स्पून के बराबर होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ज़्यादा गर्म घी लेना है ना ज़्यादा एकदम जमा हुआ, इस टाइप का घी लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों हाथों से। अच्छे से जब भरने लग जाएगा तो यानी कि हमारा एकदम मोइन परफेक्ट मिला हुआ है। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखिए ये भरना लग गया है तो यानी कि हमारा मोइन अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 गिलास ले लिया मैंने पानी। इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है गाइस। आप इसी एक ही चीज़ में आप शक्कर पारे वो होता है ना मीठे शक्कर पारे, मीठी मठरी, उसका भी टेस्ट ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैंने गूंथ लिया है लगभग। इसको और गूंथ देते हैं, जितना ज़्यादा गूंथेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना मैंने पानी बचा लिया है, थोड़े से पानी में ही सारा आटा लग के तैयार हो गया। अब इसको हम कवर करके रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम एक बार गूंथ लेते हैं अच्छे से। देखिए इस तरह से अच्छे से एक बार गूंथने के बाद इसको हम रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अच्छे से और गूंथ लिया था, अब इसके हम छोटे छोटे पार्ट तोड़ते रहेंगे और रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियोस भी देखते रहें, मेरे चैनल पर ढेर सारी वीडियोज़ हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ये देखिए इस तरह इसके रोल्स बना के हम तैयार कर लेंगे। करीब 4 रोल्स बन के तैयार हुए हैं मेरे। ये देखिए 4 रोल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब लेंगे हम एक चॉपिंग बोर्ड या फिर कुछ और ले सकते हो आप, लकड़ी का पैड वगैरह ले सकते हैं इस तरह का। और फिर इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे, हल्का सा रोल करेंगे। चॉपिंग बोर्ड ले लिया मैंने तो देखो इस तरह से रोल हो गया। अच्छा सा प्रेस कर देंगे ऊपर से हल्का सा। फिर हम तिरछी शेप में इसको हम इस तरह से कट करेंगे। तिरछा काटना है, एकदम खजूर वाली शेप आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब एक एक करके थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते रहेंगे। देखिए इस तरह से फिंगर की हेल्प से। ये देखिए इस तरह की शेप देती जा रही हूँ मैं। ये देखिए ऐसे को हम एक प्लेट में रखते जाते हैं, ऐसे ही सबको शेप देते जाएंगे अच्छे से। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, देखना कैसे फ्राई करना है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें मेरी वीडियो को, क्योंकि यहाँ तक तो सब बना लेते हैं पर फ्राई करते समय टूट जाते हैं या फिर फट जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि बताया नहीं अच्छे से, तो इसलिए फ्राई करने वाला प्रोसेस भी ज़रूर देखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम प्रेस करते जा रहे हैं, प्लेट पर लगाते जा रहे हैं। इस तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। मेरे को तो बहुत पसंद आए थे गाइस। इसको हम ट्रैवलिंग वगैरह में भी ले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन करता है कभी कभार,
तो हम ये बना के तैयार कर सकते हैं और जल्दी बन जाते हैं कम खर्चे में और कम मेहनत में और जल्दी बन जाते हैं। इसको ना बेलने बेलने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। ये देखिए इसको भी हमने तिरछा कट कर लिया है। इस तरह से फिंगर से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए सारे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा घी। इसको हम गर्म हो जाने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम घी डालते जाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना जल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं और टूट भी सकते हैं फिर हाई फ्लेम पे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो अच्छा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे अच्छे से। जब हल्का से सिक जाए ना उसी के बाद हम इसे करछी लगाएंगे इसमें। अगर ऐसे तुरंत करछी लगा दोगे तो ये टूट सकते हैं, इसलिए थोड़े से हल्के से फ्राई हो जाए उसके बाद ही करछी लगानी है। इस तरह से अलट पलट करके सेक लेंगे सबको। ये देखिए अच्छे से अलट पलट करते जा रही हूँ। बाजार से बिस्किट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, घर में ये इजीली बन जाते हैं और कम मेहनत के साथ। ये देखिए अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प हो चुके हैं। इनको हम निकालते जाएंगे इस तरह से। सब निकाल लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस फ्राई करने में। ऐसे ही दो तीन बैचेस में सेक लेंगे। एक साथ इकट्ठे नहीं डाल देने हैं, थोड़े थोड़े डाल के सेकते जाएंगे। ऐसे छः सात सेकते जाओ अच्छे से सिक जाएंगे। ये जो पता चले आपने एक साथ डाल दिए 10-15 और पता चले वो फूट रहे हैं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़े थोड़े बैचेस में ऐसे चार पाँच करके सेकते जाएंगे। अगर आपकी ये टूटे तो आप उसमें हल्का सा आटा और मिला सकते हैं। जो आटा हमने लगाया है ना उसमें हल्का सा आटा और मिला सकते हैं अगर आपके टूट रहे हैं तो। अगर नहीं टूट रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक सब खजूर शक्कर पारा हमारे बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए सफ़ेद तिल कितना अच्छे से दिख रहा है, कितने अच्छे से सके हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे गाइस, मुझे तो मज़ा ही आ गया। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो मैं अब आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बना है। ये देखिए वाह, ऊपर से कुरकुरा अंदर से एकदम खस्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।